गांधीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल वाजपेयी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सैनिटाइजेशन अभियान पर सवाल उठाया है। अनिल वाजपेयी का कहना है कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में निगम कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान नहीं चलाया जा रहा था, लेकिन अब उनके प्रयास से क्षेत्र में सैनिटाइजेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अनिल वाजपेयी ने कहा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है, ऐसे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में काफी दिनों से सैनिटाइजेशन नहीं किया गया। इस बात को उनकी तरफ से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर विकास आनंद के समक्ष रखा गया, जिसके बाद कमिश्नर के निर्देश पर कई मशीनें गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा उन्होंने अपने स्तर पर भी सैनिटाइजेशन मशीन और दवाई मंगाई है, ताकि पूरी विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा सके। विधानसभा दिल्ली की ओर दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी दिनों से विधानसभा में सैनिटाइजेशन का काम नहीं चल रहा था। जब लोगों ने मुझ पे अप्रोच किया, मैंने तुरंत बड़े अधिकारियों से बात की, मैंने EDMC के कमिश्नर श्री विकास आनंद जी से बात की, मैं और उन्होंने तुरंत गाड़ी मुहैया कराई सैनिटाइजेशन की, और मैंने खुद खड़े होकर मैंने विधानसभा में जाकर खुद जाके हमने सैनिटाइज कराया है। इस समय कोरोना ऐसी भीषण महामारी में जब काफ़ी लोग कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, और उस समय सैनिटाइजेशन कराना ये बहुत ज़रूरी है, और ये सरकार की भी प्राथमिकता है, और लिहाजा हमने खुद हमें उतरना पड़ा है। हमने 8 मशीनें तुरंत हमने कहीं से मार्केट से हमने मंगवाई हैं, और केमिकल भी मंगवाया है, और कल से युद्ध स्तर पर पूरी विधानसभा में गली गली में जहां हमारी गाड़ी नहीं जा सकती है वहां पर भी सैनिटाइजेशन का काम